और मेरे साथ अनुपम खेर है। मैं अनुपम खेर का रुख करता हूँ। अनुपम जी खड़े हो जाइए। आपका अभिनंदन है। आज जब हम वहाँ पर थे तो आप भावुक हो रहे थे, आपको आंसू आ रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? लोग सुन रहे हैं आपको। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बहुत बार जिंदगी में ऐसे दृश्य हुए हैं जो मैं भावुक हुआ हूँ, लेकिन आज मेरे आंसुओं का बांध टूट गया। आई थिंक ये सालों की जो हमारा प्रयत्न था कि राम मंदिर जो है उसकी स्थापना हो, उस प्रयत्न को आज साकार होते देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बिल्कुल, मैं देख रहा था, मैं आपके साथ बैठा हुआ था, मैं आपको देख रहा था, आपकी आंखों में कितने आंसू थे और आप भाव विभोर थे और प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे, तब भी आपकी आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री के संबोधन में एक थी राम और राष्ट्र, भारत और भारत की संस्कृति, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री के मैंने बहुत सारे भाषण सुने हैं और मैं उनके बहुत सारे भाषणों का मुरीद हूं, लेकिन आज का उनका भाषण जो था वो लोगों को एकत्रित करने का बारा था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में था, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो हमको एक किस्म से हमारे जो उनके आशीर्वाद है, राम को राम क्या बनाते हैं, उन सब के बारे में था। और बहुत ही मैं आत्मविभोर हो गया था। मैंने ये देखिए, आज जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये एक सैलाब है, लोगों का सैलाब नहीं है, ये एक किस्म की भावनाओं का सैलाब है। भावनाओं का सैलाब है, बड़ी सुंदर बात बोली। लेकिन आज आपका परिधान बहुत अलग था। आज आपने कश्मीरी कपड़े डाले थे, भगवा पगड़ी डाली हुई थी, वो देखकर मैं को तो बहुत अच्छा लगा। आपने क्यों डाला था, आपके मन में क्या था? देखिए, रामचंद्र जी को आज वापस आने का मौका मिला घर पे जी, भगवान होकर। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू 32 साल से, अभी 34 साल हो गए हैं, वापस नहीं आए, तो उनका आज इधर आना प्राण प्रतिष्ठान महासमारोह में एक सिंबॉलिक तरीका था। उन सबको लेकर मैं साथ में चला, उन सबको लेकर मैं यहाँ आया, इसलिए मुझे अपने दादाजी को रिप्रेजेंट करना था, मेरे अपने पुरखों को रिप्रेजेंट करना था, इसीलिए मैं फेरन और साफा पहनकर आया था जी। ये बहुत खूबसूरत बात के लिए आप बैठिए। मेरे साथ शैलेश चौधरी भी है। शैलेश चौधरी, लोगों का सैलाब है, एक लाइन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहना चाहते हैं? ये लोगों का सैलाब नहीं अमीश, ये भावनाओं का ज्वार, भावनाओं का सैलाब है। ये उत्साह, उमंग, उल्लास की पराकाष्ठा से भी परे है। ये अद्भुत है, ये असंभव सी चीज है जी। जो देख रहे हैं वो कमाल का है जी। मतलब ये देखिए ना आप, और ये स्वतः स्फूर्त है, किसी ने कहा नहीं है जी। ये किसी ने कहा नहीं है, ये अपनी भावनाओं से उमड़ के लोग आए। आज अयोध्या की सड़कों पे देखिए आप जी, लाखों लोग, ये पीछे भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, वो देखिए क्या हो रहा है, अद्भुत नजारा है, वो देखिए क्या हो रहा है। ये नया भारत है, ये नया भारत, ये नया भारत, ये नया भारत है, ये नया भारत संस्कृति के लिए। पब्लिक को दिखाइए जरा, ये नया भारत, किस तरह से पब्लिक भावी बोर हो रही है, ये अद्भुत है। आज तो मुझे लगता है कि आप राम के धुन में मग्न हो के कुछ राम 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 एक नाच रही है, राम 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 राम, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, वाह वाह भारत वाह। आपकी आप ये भारत बदल गया अनुपम खेर साहब, उम्मीद थी ऐसा हो जाएगा भारत। 10 साल पहले सोचा था कि 2014 में एक मोदी आएगा और क्या से क्या हो जाएगा भारत। मर्यादा पुरुषोत्तम वापस आए और भारत ना बदले, ऐसा कैसे हो सकता है? आज सत्युग की बात हुई, त्रेता युग के बाद दोबारा बात, नए युग की बात, आज वही बात है, कोई सुनना नहीं चाहता हमारी बात। ये आज सिर्फ लोग राम राम, ये भारत अब युगों युगों के लिए बदल गया है। भारत बात करने का कोई फायदा नहीं है। पब्लिक यहाँ डांस कर रही है, पब्लिक यहाँ मस्त है, पीछे लेजर शो चल रहा है, राम धुन बज रही है।
अलौकिक माहौल है, अलौकिक माहौल है, दिव्य माहौल है, और ऐसा माहौल है कि बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, राम का बच्चा बच्चा, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। जी क्या कह रहा, क्या भावना है? देखिए, ये भावना तो आज अयोध्या के लोगों ने प्रकट कर दिया है। राम जी के प्रतिष्ठा के साथ साथ राम राज्य भी प्रारंभ होने जा रहा है, और ये पूरा राम राज्य आप देख सकते हैं, ये सेलिब्रिटी, आम जनता, राजसत्ता, जनसत्ता और धर्मसत्ता सब एक हो चुके हैं, और ये पूरा सरयू का तट मानो त्रेता का अयोध्या लग रहा है। इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, हम आखिरी दौर में हैं, और मैं खेर साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आवाज मेरी भी बैठ रही है, क्योंकि पीछे राम धुन इतनी बड़ी चल रही है, और अद्भुत हो रहा है, अद्भुत नजारा हो रहा है। आज जब आप वहां मंदिर के प्रांगण में मौजूद थे, आपको लगा आपके पूर्वजों ने कुछ बहुत बड़े पुण्य करे होंगे, आपको वहां जाने का सौभाग्य मिला? पूर्वजों ने पुण्य नहीं किए थे, पूर्वजों ने आज आशीर्वाद दिया था, पूर्वजों का आज मेरे आशीर्वाद था कि मैं यहां आऊं और इस प्राण प्रतिष्ठान के समारोह में, महासमा, देखिए सैलाब है यहां पर लोगों का, भावनाओं का सैलाब है, राम जी की भावनाओं का सैलाब है। निवेदन है, आप लोग पीछे हो जाए, क्योंकि माताएं बहनों को कुछ तकलीफ हो रही है। मेरा निवेदन है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में है, तो मर्यादित होकर बैठे, बैठ जाए प्लीज, मेरा निवेदन है। खेर साहब, अब बात करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है कि आज भावनाओं का सैलाब है, लोग राम धुन को सुनना चाहते हैं, लेकिन एक चीज, आज जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, तो मुझे कश्मीरी पंडितों की बहुत याद आ रही है। कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ, वो भी 19 जनवरी को ही हुआ था, आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, हमने कश्मीर फाइल्स में वो दिखाया, वरना कश्मीर फाइल्स जब तक नहीं बनी थी, तब तक लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा हुआ है। लेकिन अब राम जी वापस आ गए, तो हमें लगता है कि हमें भी अपने घर जाने का वापस मौका मिलेगा। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। जी जी, और ये एक जी, ये एक भावना ऐसी है जी, ये एक पीड़ा ऐसी है जी, जिसको अभी आज मरहम मिला है, एक उम्मीद मिली है, एक भरोसा मिला है। मगर मैं आज, अमित जी, बहुत मुश्किल है आपसे किसी और चीज के बारे में बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, आज राम के बारे में बात, आज राम के बारे में, आज राम के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन लेकिन राम भारत की आत्मा है, और आज शायद ये देश महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज दो तीन चीजें थी, अगर आप उस भाषण का अपने शब्दों में विश्लेषण करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे भाषण का विश्लेषण होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाषण नहीं था, ये एक संवाद था देश के जनता से जी, ये राम की वैल्यूज का संवाद था। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, सब लोग बैठ जाइए, महिलाएं यहाँ पर हैं, आप और हमारी बहनें हैं, मेरा आप लोग निवेदन बैठ जाइए, और हम भी स्टेज पर हैं, स्टेज भी थोड़ा डगमगा सकता है, आप भी बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत अच्छे। देखिए देखिए, ये राम की स्टार पावर है, ये राम की स्टार पावर है कि लोग राम की नगरी में आज तमाम सितारों को जमीन पर देख रहे हैं। नहीं नहीं, तमाम सितारे आज जमीन पर आ गए हैं, हम सितारे तो रहे नहीं, हम तो भक्त हैं जी, भक्त बनकर आए हैं, भक्त की भावना लेकर आए हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, टीवी पे सब सुनाई दे रहा है, टीवी पे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन 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 राम का भजन कोई आप गाते भी हैं? कुछ सुनाना चाहेंगे राम? नहीं, नहीं 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 नहीं, मुझे माफी चाहता हूँ मैं जी, ऐसा नहीं करिए। एक एक आखिरी आखिरी सवाल मेरा, आज प्रधानमंत्री मोदी को देखकर क्या लगा? देखिए, मैं उनको आज पिछले 11 दिन से देख रहा हूँ जी, उन्होंने इस पूरे आयोजन को, इस पूरे समारोह को जी एक आत्मीयता का रूप दिया है, ऐसा लगता है कि बहुत एक आत्मिक तरीके से,
एक डिग्निटी दी है। जी वरना देखिए हर्षोल्लास का तो मौका है ही, राम जी वापस आए हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन पिछले 11 दिनों में जिया है या जीते चले आए बहुत सालों से, मगर पिछले 11 दिनों में और उन सब जगह गए जहाँ जहाँ राम जहाँ प्रभु राम गए थे उन सब जगह गए और 11 दिन का अनुष्ठान व्रत किया और कठिन तप किया। आज उसके बारे में जानकारी मिली और तब भी आपकी आंखों में आंसू थे। आंसू सिर्फ ट्रेजेडी की वजह से नहीं आते हैं जी, आदमी जब भाव विभोर हो जाता है, खुशी होती है, जब खुशी होती है तो उसके भी आंसू आते हैं। आज मन कितना खुश है इसको कैसे, आज मन बहुत हल्का है, हल्का है मन बहुत हल्का है। इसको कैसे शब्दों में लेकर आएंगे? जब मन बहुत हल्का हो और जब मन ऐसा हो तो शब्द मिलते ही नहीं है, आज सिर्फ मुंह ही रहने वाला। ये शब्दों के जादूगर के मालिक हैं। शब्दों के आप शब्दों की बात इनसे करिए। शब्दों में मन को कैसे लेकर आएंगे आप शब्दों में? मैंने जैसा कहा कि मन जो है वो प्रफुल्लित है, हर्षित है, और हर्ष और प्रफुल्लता की सीमाओं से परे, मतलब मुझे लगता है आज हिंदी शब्द कोश का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आज की भावनाओं को ठीक ठीक समझा सके। फिर भी कुछ पंक्तियाँ मैं क्या कहूँ, मतलब मैं बस ये, मैं इतना भाव विभोर हूँ और इतनी देर से जो मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब कुछ इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि यहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं जी, यहाँ कवि मौन हो जाता है, यहाँ जिह्वा की अपनी सीमाएं हैं जी, इसके आगे आदमी क्या कहेगा? खेर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे आप? खेर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं खेर साहब से क्या पूछना चाहूंगा, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं ये, मैं यही कहूंगा कि ये दिन आया, देर आया, लेकिन अनुपम ये दिन है, खैर आया।